नमस्ते बच्चों, आठवीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी आठ चार दीवानों की हस्ती भाग तीन में आपका स्वागत है। कवि भगवती चरण वर्मा हैं। तो इस कविता में कवि क्या बताना चाह रहे हैं, एक बार इधर हम देखते हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियां बांटता है, यही सब इस कविता में दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, मस्त मौला है, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहां भी जाते हैं खुशियां बिखेरते हैं, और जीवन में असफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है, किसी और का नहीं, और सफल होते हैं तो भी श्रेय हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने की है ही होती है। और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। वे जब जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इस सब का दोष किसी और को नहीं देते। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है, जो कि कवि में देखी जाती है। यहाँ पर मेहनत में माँ में एक ही मात्रा होनी चाहिए, हाँ में दिया गया है, एक बार देख लीजिए उसे। तो इस तरह हम जो भी काम करते हैं और सफल होते हैं तो भी तो श्रेय हमें जाता है, मतलब वो क्रेडिट हम जो बोलते हैं इंग्लिश में, वो हमारा ही है। अगर हम असफल होते हैं तो हमारा नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, कि हम तुरंत अपनी असफलता को दूसरों पर डाल देते हैं कि उसने ऐसा किया इसीलिए मैं असफल हो गया। लेकिन यहाँ कवि के साथ अगर हम चले तो कवि का स्वभाव है कि सफल या असफल दोनों की जिम्मेदारी हमें ही होना चाहिए, हमें ही उठाना चाहिए। सफल हुए तो और भी मेहनत कर और भी सफलता प्राप्त करनी है, असफल हुए तो गलती कहाँ हुई है ये हमें सोचना है। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्तमौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। मस्तमौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है खुशियां फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आंखों में आया आंसू हो। कवि बहते पानी रमते जोगी वाला कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफर पर चलते रहते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि संसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि यह भी कहना चाहते हैं कि संसार संसारिक नहीं है। संसारिक के मतलब पारिवारिक जीवन बिताने वाला। वे बंधनों में बड़े बंधे होते हैं कि बच्चे की देखभाल करना है, अपने पिताजी की माता पिताजी की देखभाल करना है, या पैसा कमाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। इस तरह संसार के पारिवारिक इसमें बंधे हुए होते हैं। ये दीवाने हैं। दीवाने क्या है? बेफिक्र होते हैं। वे जहां चाहे वहां जाते हैं। अभी कैसा? बहते पानी देखिए, एक जगह टिकता नहीं है, वह चलते रहता है, जहां भी जाए वहां जाते रहता है। उस तरह कभी भी वैसा ही जाना चाहते हैं और अपना प्यार को सभी को लुटाना चाहते हैं। तो यहाँ हम अभी कविता को देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ कर ले असफलता का भार चले।
हम भिकमंगों की दुनिया में, भिकमंगा मतलब जो मांगते रहता है उसे हम भिकमंगा बोलते हैं, चाहे प्यार मांगे या पैसा मांगे, जो भी हो मांगने वाला भिकमंगा होता है। तो हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। प्यार भी किस तरह है? स्वच्छ रूप से, मतलब उसमें कुछ स्वार्थ ये कुछ नहीं होना चाहिए, द्वेष स्वार्थ इस तरह बिना कुछ भाव के प्यार हमें देना चाहिए। हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले। उर पर मतलब धरती पर, इसे धरती पर या हृदय में, सभी के हृदय में किस तरह होना चाहिए, वे अपनी निशानी चोड़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम कुछ अच्छे काम किए हैं तो जब भी वह अच्छा काम सभी के स्मृति पर आता है तो वे कहते हैं हाँ वह व्यक्ति हमें भलाई करके गया है, तो वो बार बार उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है। तो इसी तरह वे भी इस उर पर अपनी निशानी छोड़कर सफलता का भार लेते हुए जाना चाहते हैं। यहाँ अर्थ देखिए भावार्थ, पहले आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग मतलब इस कविता से लिया गया है, कवि का नाम क्या है, ऐसा लिखना है, और ये व्याख्या है, इसी को हम भावार्थ बोलते हैं। दीवानों की हस्ती कविता, इन कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिकमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कभी स्वार्थी नहीं है, इसीलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। तो इसे यहाँ तो यही बताया गया है कि हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब प्यार बांटते हुए चले गए। हम एक निशानी सी उर पर धरती पर, एक निशानी से एक चिन्ह के रूप में सभी के दिल में एक निशानी से रहकर सफलता का भार लेकर जाते हैं। तो इस तरह कवि इस कविता के द्वारा हमें समझाते हैं कि हमें इस दुनिया में रहना है तो निस्वार्थ होकर रहना है। उन्होंने जीवन में काफी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। नाकामयाबी मतलब सक्सेस ना पाना, असफल होना। तो जो नाकामयाबी का भार है वह स्वयं उठाया है, किसी दूसरे पर भार नहीं डाला है। तो ये आपकी पहली इस वीडियो का पहली कविता है। तो अब देखते हैं दूसरी। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, हम पारिवारिक जीवन में, संसारिक जीवन में बंधे हुए रहेंगे तो अपनों के लिए कुछ करेंगे? जब हम दीवाना हैं, हमारा काम सिर्फ प्यार लुटाते हुए जीवन बिताना है, तो अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, जो रुकने रुक जाते हैं सांसारिक जीवन से, वे आबाद रहेंगे, मतलब सुखी के साथ है, और अपने सदस्यों को बढ़ाते जाएंगे, आबाद मतलब पॉपुलेशन, सदस्यों को, पारिवारिक सदस्यों को बढ़ाते जाएंगे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। भले हम बंधे थे लेकिन अभी हम उस बंधन को तोड़कर चल रहे हैं, इस तरह कवि समझा रहे हैं। तो दीवानों की हंसी कविता की इन पंक्तियों, इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वही ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद एक जगह बंधकर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। तो इस तरह वे एक जगह बंधे रहना नहीं चाहते हैं,
अपना प्यार को सभी को बांटते हुए जाना चाहते हैं। यही इस कविता में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि हर एक को, या नहीं कि हमारा मंजिल हम पा लिए हैं तो मंजिल पाने के बाद हमारा रास्ता यहीं रुक जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी आगे बढ़ते हुए हमें अपना जीवन सभी को बांटना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। भिकमंगा मतलब भिकारियों, स्वच्छंद मतलब आजाद, निशानी मतलब चिन्ह, उर मतलब हृदय, सफलता मतलब जो सफल ना हो, भार मतलब बोझ, बोझ आबाद मतलब बसना, स्वयं मतलब खुद। इसके पहले वीडियो में आपको दो प्रश्न उत्तर दिया गया है, अभी आप यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा। भिकमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर सफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कवि के अनुसार ये स्वार्थी दुनिया इतनी लालची है कि इसने कभी निस्वार्थ भाव से कुछ देना कभी सीखा ही नहीं। कवि ने जिंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया, लेकिन दुनिया ने उसे बदले में प्यार नहीं किया। इसी वजह से कवि निराश है। उसे लगता है कि वह लोगों के मन में प्रेम और खुशियों के बीज बोने में असफल ही रह गया। उनकी निराशा का कारण क्या है कि लोगों के मन में प्रेम और खुशियां ये दोनों का बीज वे बो नहीं पाए, इसलिए वे अपने आप को समझ रहे हैं कि वे असफल हैं। तो इस तरह इन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इससे आपको ये दीवानों की हस्ती पाठ समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम इसका टेस्ट के लिए देखते हैं। तब तक धन्यवाद।